हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज मैं नारियल की बोनसाई कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो यह मेरा प्लांट कुछ 2 वर्ष का है और इसको मैंने पॉली बैग में मिट्टी डालकर इसकी जड़ को ऊपर लाने के लिए कुछ 8 महीने पहले इसमें इस तरह से इसको रखा था। तो अब पूरी तरह से इसकी जड़ एडजस्ट भी हो चुकी है और पूरी तरह से ग्रोथ भी कर चुकी है। तो इसकी मिट्टी को मैं बाहर निकाल दे रही हूँ, तो आप लोग देखिए कि किस तरह से इसकी ग्रोथ हुई है। तो जब भी ऐसा करें तो इसमें मैंने कम से कम 5 से 6 दिन पहले इसमें पानी देना बंद कर दिया था ताकि मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए और एकदम से जब मैं इसको निकालूं तो हल्की हल्की ढीली करते हुए पूरी तरह से निकलती चले जाए। तो यह देखिए, जब मैं इसकी कोई भी आप घर का ही सामान ले लीजिए, उससे धीरे धीरे इसकी मिट्टी को हल्के करते चले जाएंगे तो इसकी मिट्टी अपने आप ही बाहर होते चली जाएगी। तो इस तरह से इसकी मिट्टी को मैं बाहर निकालते जा रही हूँ। और जब भी नारियल की बोनसाई बनाए तो नॉर्मल जो दुकान में मिलता है नारियल उसी को मैंने बनाया था। तो पहले मैंने इसको पानी में कुछ 1 महीने के लिए डाल दिया था। तो जब इसमें थोड़ी ग्रोथ हो गई थी तो मैंने इसको मिट्टी में दबा दिया था। तो इसी तरह धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए हमें घर बैठे ही आसानी से एक बोनसाई ट्री मिल जाता है। तो इस तरह से आप देखिए, इसकी जड़ भी बाहर आ चुकी है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन प्लांट हमारा धीरे धीरे तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसकी पूरी जड़ निकाल ली है। धीरे धीरे मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ और निकल भी रही है। यहाँ पे देखिए, नारियल का जो गोला होता है वह मेरा यहाँ पे निकल गया है, तो उसको मैं हटा दे रही हूँ। और यहाँ पे पूरी तरह से इसकी मिट्टी निकल चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट दिख रहा है। और इसमें मैंने पानी कम डाला था इसलिए अभी थोड़ा ग्रीन कम दिख रहा है। तो इस हिसाब से जब भी आप बोनसाई की मिट्टी निकालें तो मौसम देख लें। मैं अभी यह वीडियो अक्टूबर के मंथ में शूट कर रही हूँ तो इसको पानी की कम आवश्यकता है। तो इस तरह से मौसम के अनुसार आप प्लांट के बारे में एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो आपका सब सफल होता चला जाएगा। और यहाँ पे मैं जो भी यहाँ ऊपर की जो छाल है उसको भी मैं निकाल दे रही हूँ ताकि प्लांट को एक्स्ट्रा एनर्जी अपने ग्रोथ में लगाए। और इस तरह से इसका शेप भी खूबसूरती से बनता चला जाता है। इसकी एक्स्ट्रा जितनी ऊपर की छाल होता है उसको मैं निकालती जाऊंगी। तो इस तरह से बोनसाई ट्री देने के लिए जितने ऊपर का भी पत्ते होते हैं उसको भी हटाना पड़ता है। कुछ टहनियाँ भी होती है इस नारियल तेल में, इसको भी हटाना पड़ता है। तो इसको भी मैं हटा दे रही हूँ। और यह बहुत ही हार्ड होता है, तो जब भी यह काम करे तो तेज चाकू या कोई भी आपके पास तेज धार वाली हो उससे ही इस काम करें, क्योंकि सॉफ्ट नहीं होती, आसानी से निकलती नहीं है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके इसको निकालते रहें। और ऐसा नहीं है कि एक बार में निकालें तो आपका बोनसाई ट्री तैयार हो जाएगा, नहीं, फिर से इसमें ग्रोथ होगी तो फिर से आपको निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे इसको बोनसाई का शेप देते चले जाएंगे। और ऊपर की पत्तियाँ देखिए, मेरे कुछ कीड़े ने खा लिया है बारिश के मौसम में, तो मैं इसको भी कट कर दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से पत्तियों को रख भी सकते हैं, उसको छोटा भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी ग्रोथ हुई है प्लांट में उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं पूरी तरह से इसको बाहर की ओर निकाल दे रही हूँ। तो नए जो वहाँ पे सेब आ रहे हैं नारियल में, वो बहुत ही खूबसूरती से निकल कर आएंगे और देखने में भी इसका लुक बहुत ही खूबसूरत होगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे हमारा बोनसाई का ट्री बनता चला जाएगा। और बहुत ही बोनसाई ट्री तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है और मार्केट में बहुत ही महंगा बिकता है। तो किसी भी चीज़ का बोनसाई बनाए बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। सिर्फ उसका आप सब्र से थोड़े काम लेंगे तो आपका बोनसाई ट्री आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको आसानी से नारियल का भी बोनसाई बन जाएगा। मैंने इसको खुद बनाया है तो धीरे धीरे करके यह बनता चला गया है। और इस तरह से आपको एक खूबसूरत प्लांट भी मिल जाएगा।
देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ भी हुई है। और इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें पानी, जब मिट्टी सूख जाती है थोड़ी ऊपर वाली तभी मैं डालती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी इसको डालना पड़ता है। और इसको मैंने धूप में ही रखा था, ऐसा नहीं है कि छाया वाली जगह पे रखा था। तो इस तरह से देखिए थोड़े नीचे वाले भी जड़ है उसको भी मैं कट कर दे रही हूँ, इसकी नई रूट जो है वो फिर से निकल जाएगी। और बाकी जो इसकी अच्छी तरह से इसकी जड़ मिट्टी में ग्रोथ कर चुकी है, अपने आप को नीचे एडजस्ट कर चुका है, तो ऐसा नहीं है कि पौधा सूख जाएगा, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। इसमें मैंने सिर्फ आधा चम्मच फंगीसाइड डालकर ऊपर की और इसकी थोड़ी बहुत जड़ को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ।